Okay, so this is our second question, based on potential energy concept. So try guru sab log chat pe reply karo if any of you got correctly. देखो हमें जो फाइंड करना है दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, और डिस्टेंस के उस एक्सप्रेशन में आपका न्यूमरेटर में फोर आया ना, के की जगह फोर पे एप्सिलॉन नॉट डाल के देखो फाइनल आंसर कितना आ रहा है. के का वैल्यू पुट कर दो ना, फिर देखो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है. किसी का रिजल्ट है बच्चों मैसेज करो, और के का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट डाल दो उसमें. ओके सो आई गेस काइंड ऑफ करेक्ट आंसर है. लेट्स सॉल्व इट, है ना, एक बार सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं आंसर सही आ रहा है सब लोगों का. तो इनिशियल केस का पिक्चर बना लेते हो. तो इनिशियल केस में क्या था, आपके पास एक प्रोटॉन है, ये आपने फायर किया विद स्पीड यू, ठीक है. प्रोटॉन का मास दे हैव गिवन एज एम, ठीक है, और चार्ज ई, तो ई को एम बोल दे रहे हैं, ठीक है. और ये जो है ये आपका रेस्ट पे फ्री है बट रेस्ट पे, तो ये हो गया आपका इनिशियल केस. अब यहां पर क्या होगा उसको आप समझने की कोशिश करो. यहां पर ये अभी जो चार्ज है लेफ्ट में, ये एक्चुअली काफी डिस्टेंस पे, मे बी आई शुड राइट इनफिनिटी, काफी डिस्टेंस पे, ठीक है. मैंने पिक्चर में क्लोज बनाया बट काफी डिस्टेंस पे. जैसे ही ये लेफ्ट का पॉजिटिव चार्ज आपका आई मीन प्रोटॉन राइट वर्ड आना स्टार्ट करता है, तो ये राइट वाले चार्ज दोनों में फोर्स होगा. इसका स्पीड पहले वाले का स्पीड क्या होगा आपका, डिक्रीज होने लगेगा. क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स जो काम कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन, इनफैक्ट लेट मी ड्रॉ, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा फर्स्ट वाले पे इनका रिपल्शन फोर्स, और सेकंड वाले पे रिपल्शन फोर्स ऐसे काम करेगा. तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो राइट साइड में चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो चार्ज मूव करेगा, राइट. सो राइट साइड वाला जो चार्ज है वो राइट साइड मूव करेगा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, उसका स्पीड क्या होगा विद टाइम इंक्रीज होगा. और लेफ्ट में जो हमारे पास चार्ज है उसका स्पीड विद टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा. उसका स्पीड डिक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज आपके पास जो कैपिटल एफ फोर्स है इनके बीच का रिपल्शन फोर्स वो उल्टा लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, ठीक है. सो एक मोमेंट ऐसा इनके पास आने वाला है, हवा में फोटो बना रहा हूं. सो एक मोमेंट इनके पास आएगा जब इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस हो, वी डोंट नो, लेट्स कॉल इट आर, ठीक है. और उस डिस्टेंस पे देखो दोनों पार्टिकल के बीच में एक मोमेंट के लिए डिस्टेंस जो है वो फिक्स कैसे रहेगा जब उनका वेलोसिटी सेम हो. तो जैसे मान लो अगर राइट साइड का वेलोसिटी ज्यादा है और लेफ्ट का कम है, तो फिर इनके बीच का गैप क्या होगा, बढ़ेगा. अगर मान लो लेफ्ट का वेलोसिटी ज्यादा है राइट का कम है, तो इनके बीच का गैप क्या होगा, डिक्रीज होगा. बट एक मोमेंट पे जहां पर हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों का वेलोसिटी मान लो इक्वल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी यू था, यू से लेफ्ट का वेलोसिटी डिक्रीज होकर वी हो गया,
और राइट साइड में जो वेलोसिटी है वो जीरो था, जीरो से इंक्रीज होकर वी हो गया। सो यानी जिसका वेलोसिटी यू था वो डिक्रीज हो रहा है और जिसका जीरो था वो इंक्रीज हो रहा है, दोनों मिलकर क्या एक सेम स्पीड पे आ गए वी। तो उस मोमेंट पे एटलीस्ट फॉर दैट मोमेंट आपका जो डिस्टेंस है चार्ज पार्टिकल के बीच में ये मिनिमम का केस होगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा किसी एक का वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगा और किसी एक का डिक्रीज होगा और इवेंचुअली डिस्टेंस क्या होगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इससे कम मिनिमम डिस्टेंस पे आप नहीं जा सकते। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लेट मी राइट, सो विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम देखो दोनों पार्टिकल का क्या है, इनिशियल केस, दिस इज आवर फाइनल केस। ठीक है, तो इनिशियल केस में जो मोमेंटम है mu, फर्स्ट वाले चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो राइट साइड आ रहा है, सेकंड चार्ज पार्टिकल तो रेस्ट पे था तो उसका कोई मोमेंटम ही नहीं। फाइनल सिनेरियो में क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल एट दैट मोमेंट राइट साइड में जा रहे हैं, सो विल राइट mv। तो यहां से एक चीज ये पता चल गया आपको कि जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो इनिशियल वेलोसिटी का हाफ है। ठीक है, तो दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा और वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के हाफ आएगा। ठीक है, अब क्या हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं यहाँ पर, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो इनिशियल केस में जो एनर्जी कंजर्वेशन है हमारे पास, इनिशियल केस में एनर्जी क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पार्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या है, दूसरा पार्टिकल तो रेस्ट पे था तो ये काइनेटिक एनर्जी का पार्ट कंप्लीट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, दोनों चार्ज के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है आपके पास वो इन्फिनिटी है, मतलब काफी बड़ा डिस्टेंस, लार्ज क्वेश्चन में लार्ज का मतलब फिजिक्स में लिखने का मतलब इन्फिनिटी होता है, तो काफी बड़ा अगर डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप इन्फिनिटी लिखोगे वो आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो देगा। फाइनल केस में क्या है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड प्रोटॉन का हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का टर्म। एंड इनके बीच में नाउ पोटेंशियल एनर्जी है, कितना पोटेंशियल एनर्जी है के, दोनों का चार्ज, तो चार्ज बोला इन लोगों ने ई लिखने के लिए, सो वी आर गोइंग टू राइट ई मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई डिस्टेंस विच इज आर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड आर, है ना, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यूज गिवन, इनिशियल क्या क्या गिवन है, यू गिवन है, मास गिवन है, ई गिवन है, तो ये टर्म्स यूज होने हैं, सो वी हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। तो आप लिख लो इसको लेफ्ट में एम यू स्क्वायर ओवर टू इक्वल्स टू, राइट साइड में एम वी स्क्वायर हो जाएगा और वी की जगह आप यू बाय टू का स्क्वायर डाल दो। ठीक है, प्लस ये हो गया के ई स्क्वायर ओवर आर, तो यहां से हमें वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यू हो जाएगा आपका एम यू स्क्वायर ओवर फोर इक्वल्स टू के ई स्क्वायर बाय आर, बट हमें तो क्या है सिर्फ आर फाइंड करना है, तो आर विल बिकम फोर के ई स्क्वायर ओवर एम यू स्क्वायर, आप क्या करो के का वैल्यू रख दो वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ई स्क्वायर ओवर फोर, फोर कैंसिल हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर। ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस जो इन दोनों पार्टिकल के बीच में किसी मोमेंट पे आपको मिल सकता है, इससे कम नहीं मिल सकता। तो नोट करो बच्चों फास्ट, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। कुछ बच्चों का करेक्ट आंसर है विच इज गुड, कुछ ने अगर सॉल्व किया और डिफरेंट आंसर आ रहा है स्टिल मैसेज कर दूं।
या क्रिश, यू कैन राइट ऑन मैसेज या फिर आप व्हाट्सएप पे भी आंसर शेयर कर सकते हैं. एनी केस इज फाइन विथ अस. बच्चों नोट कर लिया है तो बढ़े आगे हम लोग. लेट्स वर्क ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया ना. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो एक और ऐड कर देता हूँ, फिर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम कर पाएंगे. अभी क्या था, हम लोगों के पास दो चार्ज था और दो चार्जेस के बीच में क्या एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा, दैट वी हैड सीन. अगर दो से ज्यादा चार्जेस आपके पास, लेट्स से थ्री चार्जेस, फाइव चार्जेस और मे बी 1000 चार्जेस, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, वो पार्ट देख लेते. सो वी आर गोइंग टू राइट पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल. सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब आपके पास काफी सारे चार्ज पार्टिकल्स, सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है. So let's say, लिखते कैसे उसको ध्यान से देखो. सबसे पहले क्या है, बेसिकली हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि हमें जितना एफर्ट एक्सटर्नल लगाना पड़ रहा है उस सिस्टम को बनाने के लिए, उस सिस्टम को बनाने के लिए जो हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा हर स्टेप में, वो एनर्जी हमें ऐड करते जाना है, क्योंकि वो एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. सो लेट्स से सबसे पहले सिस्टम में आप चार्ज लेकर आए Q1, ये चार्ज आप लेकर आए Q1, तो आपने एक्चुअली कोई भी एफर्ट नहीं लगाया, आपका कुछ भी एफर्ट नहीं लगा. क्यों नहीं एफर्ट लगा? बिकॉज उस चार्ज को ना तो रोकने के लिए कोई था, ना ही अट्रैक्ट करने के लिए था, बेसिकली कोई था ही नहीं उससे इंट्रैक्ट करने, उससे इंट्रैक्शन किसी चार्ज का था ही नहीं, क्योंकि चार्ज ही नहीं था और कोई. सो Q1 लाने के लिए हमें कोई भी एनर्जी नहीं लगाना पड़ा, ठीक है. सो मैं लेफ्ट में टर्म लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, तो अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी जीरो आया, बिकॉज हमने कुछ भी एफर्ट लगाया नहीं. फिर आप एक चार्ज लेकर आए Q2, सो लेट्स से आपने यहां पर चार्ज लेकर आए Q2 और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, वी कैन राइट एक्चुअली वर्चुअली एनीथिंग, बट थोड़ा सिंप्लिसिटी बनाने के लिए मैं इसको R3 लिख दे रहा हूँ, यू विल नो सून वाई, ठीक है, इट डजंट मैटर एक्चुअली. सो इनके बीच में डिस्टेंस मान लो R3, तो Q1 फिक्स कर दिया मैंने, अब मैं Q2 को लेकर आ रहा हूं और Q2 को मैं R3 डिस्टेंस पे लाकर मैंने छोड़ दिया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली आना नहीं चाहेगा, Q2 Q1 के पास नहीं आना चाहेगा, तो हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा. तो हमने जो एफर्ट लगाया उसका जो एनर्जी है वो स्टोर होगा, और वो कितना स्टोर होगा, दैट वैल्यू विल बी के Q1 Q2 ओवर R3. ये टर्म आपने ऐड किया, ठीक है, हमें लेट्स से थ्री चार्जेस लाने थे, तो थर्ड चार्ज की आप एंट्री कराएंगे. थर्ड चार्ज मान लो मैं यहां पर लेकर आया, ठीक है, एंड लेट्स नेम इट Q3, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इनको भी कुछ नॉर्मल नेमिंग कर दे रहे, सो इनको लेट्स से R2 बोल दे रहे और ये डिस्टेंस को R1 बोल दे रहे, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी और काइंड ऑफ पैटर्न मैच कर रहे हैं, ठीक है. तो इन अब देखो Q3 को जब आप ला रहे हैं ना, तो फिर आपको दोनों ही चार्जेस से आपको इंटरेक्ट करना है. Q3 को इस पोजिशन पे लाने के लिए इन्फिनिटी से आपको जैसे ही Q3 आप एंट्री करेगा, स्पेस के अंदर एंट्री लेगा, वैसे ही Q1 उसको फोर्स लगा रहा होगा, तो Q1 को Q3 से प्रॉब्लम है. सो यू हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम Q1 का रिपल्शन और अट्रैक्शन, इट डिपेंड्स, बट हम ये हम लोग जनरल रिपल्शन लेके चल रहे हैं. तो फिर आप वर्कडन कर रहे होंगे, आपका फोर्स का एक कॉम्पोनेंट वर्कडन कर रहा होगा Q1 के लिए, और Q1 कितना फोर्स Q3 पे लगा रहा है उसको Q2 से कोई लेना देना नहीं. सो Q1 Q3 के बीच क्या फोर्स लगेगा उन दोनों का मैटर है, Q2 Q3 के बीच क्या फोर्स लगेगा उन दोनों का मैटर है, उसमें तीसरे चार्ज पार्टिकल का कोई रोल ही नहीं है. हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं. So, Q1 Q3 का जो इंट्रैक्शन है उसकी वजह से आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारा इंटीग्रेशन अप्रोच सब कुछ सेम ही रहने वाला है. बट एट द सेम टाइम Q3 को क्या है, Q2 से भी इंट्रैक्ट करना है, क्योंकि Q3 पे Q2 भी फोर्स लगाएगा और वो भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा. तो उसकी वजह से जो आपने वर्कडन किया वो एनर्जी स्टोर होगा बिकॉज ऑफ Q2 Q3, ये रिलेशन आपको एड करना पड़ेगा. तो इन शॉर्ट हम लोग पैटर्न यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमें क्या है, पेयर ढूंढना है, यूनिक पेयर्स ढूंढने हैं. जैसे फर्स्ट वाला पेयर क्या है, 1 2,
सेकेंड वाला पेयर क्या है, 1 3, डिनोमेटर मत देखो, R1 R2 R3 वो तो सिर्फ डिस्टेंस है, ठीक है, हम बस Q1 Q2 ये पेयर देखना चाह रहे हैं कि कौन सा पेयर इंपॉर्टेंट। सो यूनिक पेयर ढूंढ रहे हैं, इट्स लाइक अगर आपके पास चार्ज Q1 Q2 है तो 1 2 हो गया एक पेयर, एक पेयर 1 3 हो गया और एक पेयर क्या हो गया 2 3 हो गया। अब इसके अलावा अगर आप कोई पेयर बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे पेयर्स लिख रहा हूँ, 1 2 बनाया हम लोगों ने, देन हम लोगों ने 1 3 बनाया, देन पेयर बनाया हम लोग 2 3। अब इसके अलावा अगर आप कोई पेयर्स आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिख दिया सर 2 1, दैट इट मेक्स नो सेंस। क्यों? क्योंकि 2 और 1 के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है पहले ही, 1 2 में आ गया, वो यहाँ आ गया, ठीक है। अगर आपने मान लो लिख दिया लेट्स से 3 2 इफ यू से, या फिर 3 1, तो ये सब लिखने का, सॉरी ये गलत हो गया, 3 1 अगर आप लिखते हो तो ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 और 2 के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कवर हो गया, वो यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है। 3 और 1 के बीच में जो इंट्रैक्शन वो कवर हो गया, वो सर यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है। सो हमें क्या करना है, यूनिक पेयर्स ढूंढने, और ये जो काम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला काम है। मान लो आपके पास अगर 4 चार्जेस हैं 1 2 3 4, तो वहां पे आपको वैसे पेयर ढूंढना है 1 2 2 3 3 4 4 1, फिर काफी सारे पेयर्स बनेंगे, लेकिन वो सारे पेयर्स लेने हैं एंड उसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ये हमें ध्यान में रखना है, 100% ये हमें ध्यान में रखना है। सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट विल सॉल्व अ नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर इसका जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे, बट यू गॉट द पॉइंट, है ना। आपको जितने भी चार्जेस दिख रहे हैं उस सिस्टम का अगर आपको निकालना है कि टोटल कितना पोटेंशियल जो उसमें स्टोर्ड है, तो आप पेयर्स बनाओ, जितने पेयर्स यूनिक पेयर्स बनेंगे वो सारे का सारा पोटेंशियल जी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल जी स्केलर क्वांटिटी है और सारे पोटेंशियल जी आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। बच्चों इसको फास्ट नोट करो, ओके। सो आई गेस सारे बच्चों नोट कर लिए। क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन में सेटअप कुछ इस तरह से, आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू मैग्नीट्यूड का, और इस पोजीशन को नाम ए दे दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर एक चार्ज है लेट्स से नाम इस पोजीशन को बी दे देते हैं, बट वैल्यू चार्ज का आपके पास सेम है, क्यू चार्ज, ठीक है। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ले दो, सॉरी पॉइंट सी है, और यहां से आपने एक चार्ज माइनस क्यू को आपने लेफ्ट की डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है इस चार्ज पार्टिकल के पास, सी वाला चार्ज जो है ना ये मूव कर रहा है आपका, और इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 जूल है इस मोमेंट पे, जब वो सी पर है उसका 4 जूल एनर्जी है, एंड एट द सेम टाइम इस रेफरेंस है उसका डिस्टेंस इज ऑल्सो 4 मीटर, ठीक है। ओ से जो डिस्टेंस है पॉइंट सी का वो 4 मीटर है,
ओ से ए का डिस्टेंस इज 3 मीटर और ओ से बी का डिस्टेंस इज ऑल्सो 3 मीटर, तो डिजाइन में काफी सिमेट्री है। आपको ये फाइंड करना है कि जब मैं चार्ज सी को लेफ्ट के डायरेक्शन में थ्रो करूंगा, स्ट्रेट लाइन है वो येलो वाला, ठीक है, आप जब लेफ्ट के डायरेक्शन में इसको थ्रो करोगे तो ये कहीं ना कहीं पर जाकर वो स्टॉप होगा फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए वो रुकेगा। क्यों रुकेगा ये आपको सोचना है। लेट्स से डी पर रुक रहे हैं और ये डिस्टेंस x है, ओरिजिन से लेफ्ट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दैट डिस्टेंस इज x, तो आपको ये फाइंड करना है कि वो डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो लेट मी राइट, एक सेंटेंस में लिख देता हूं इसमें लैंग्वेज का पार्ट। सो वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ए एंड बी फिक्स चार्जेस, ठीक है, दिस आर लाइक फिक्स, ये मूव नहीं हो रहे, सर 4 जूल्स क्या है? हाँ एक सेकंड, मैं बस बता रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लेता हूँ। चार्ज विल रीच बिफोर रिटर्निंग टुवर्ड्स सी, रिटर्निंग टुवर्ड्स सी, तो इसमें सीन में क्या हो रहा है, ए और बी पे चार्ज है फिक्स है और चार्ज का वैल्यू जो वो क्यू का दे रखा है, जैसे ऊपर में लिख दे रहा हूँ, जो चार्जेस है वो 5×10⁻¹ कूलम्ब, आई होप मैंने वैल्यूज रॉन्ग नहीं लिखा। सो ए और बी पे चार्ज है प्लस क्यू चार्ज और सी पे जो चार्ज है उतना ही है बट नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज को 4 जूल से आपने लेफ्ट डायरेक्शन में थ्रो किया है। 4 जूल मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया, सो काइनेटिक एनर्जी 4 जूल है उसके पास और वो सी से टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, और वो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा तो कुछ होगा, जब वो ओरिजिन पे पहुंचेगा तो कुछ होगा, ओरिजिन से आगे बढ़ेगा तो कुछ डिफरेंट होगा, एंड इवेंचुअली वो पॉइंट डी पर स्टॉप होगा एक मोमेंट के लिए, उसके बाद वो रिटर्न आएगा। तो d इज लाइक मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक वो जा सकता है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है कि वो डिस्टेंस का वैल्यू क्या है। सो दैट पॉइंट d इज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट जहां तक पार्टिकल लेफ्ट में जा सकता है, फिर वो एक मोमेंट के लिए रुकेगा एंड देन इट विल रिटर्न, है ना। सो फाइंड करना है आपको डिस्टेंस x, फाइंड करो बच्चों फटाफट। अगेन एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है आपको, है ना, और थोड़ा आराम से सोचना है, ट्राई करो फटाफट। इंटीग्रेशन भी यूज होगा? नहीं, इंटीग्रेशन नहीं यूज करना, इसलिए हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ही बना लिया है। हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कहां से लाया, इंटीग्रेट करके लाया, तो अब इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ केस लो आप, इनिशियल केस, फाइनल केस, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन हो एक्सटर्नल फोर्स पिक्चर में नहीं है, है ना, जो भी है इनका इंटरनल फोर्स है, तो फिर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं इरेस्पेक्टिव ऑफ की विथ टाइम और ओवर टाइम और ओवर डिस्टेंस हमारा वेरिएशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं इसलिए ना, कि हमें यह सब सोचना ही नहीं पड़े। फास्ट नोट करो बच्चों, फास्ट ट्राई करो इसको। किसी का रिजल्ट आ रहा है तो व्हाट्सएप कर दो ना।
वन मोर मिनट किट्स ना फास्ट ट्राई करो थोड़ा, किसे आ गया है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या फिर ग्रुप में मैसेज कर दो, जैसे भी बेस्ट लगे। ओके सो आई गेस मोर और लेस सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया ना, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ करो, आराम से सॉल्व करो, मैसेज कर दो क्योंकि सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। देखो क्या हो रहा है, जब चार्ज पार्टिकल सी पे नेगेटिव चार्ज ना, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जब आप एक तो आपने थ्रो भी किया उसको, तो सी को आपने लेफ्ट के डायरेक्शन में थ्रो किया। दूसरा क्या है, ये जो चार्ज ए और बी पर, ये दोनों भी एक्चुअली इसको अट्रैक्टिव कर रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट ही पुल कर रहे हैं, काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली बट दोनों लेफ्ट के डायरेक्शन में ही इसको पुल कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट दोनों का वैल्यू सेम है, ए और बी के चार्ज का वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ही आएगा। आप कॉम्पोनेंट बनाओगे भी ना तो फोर्स जो आएगा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ही आएगा। कुछ बच्चों का आंसर आया है ना, इसमें वैल्यूज डाल के आंसर निकाल दो ना, मतलब सारी वैल्यूज तो गिवन है ना, चार्ज गिवन है आपको, डिस्टेंस गिवन है, मोर और लेस सारी चीजें गिवन ही है, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई कर लो वैल्यूज डाल के। ओके फाइन, सो मैं क्या कर रहा था कि जो आपको पार्टिकल सी है ना वो एक्चुअली एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, वो उसका स्पीड बढ़ेगा क्योंकि ए और बी दोनों उसको पुल कर रहे हैं। अब जब ए और बी के सेंटर पे चार्ज सी पहुंच जाएगा, देखो हालांकि इस प्रोसेस का फाइनल आंसर कोई लेना देना नहीं, बट आपको समझना ही हो क्या रहा है, क्योंकि जहां तक हम लोग समझ सकते हैं वहां पर ट्राई करें, जहां नहीं समझ पाए वहां पे सीधा अप्रोच लगा कर चल देंगे, राइट। सो सी से जब पॉइंट ओ पर आप पहुंचते हो तो ओ पे क्या हो रहा है, आपका फोर्स लगना बंद हो जाएगा क्योंकि ए और बी जो दोनों फोर्स लगाएंगे वो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ओ से आप इमेजिन करो कि आप जैसे इस पॉइंट पर आ गए, ओ से थोड़ा आप आगे बढ़ गए, तो आगे बढ़ने पर क्या होगा, आपको जो ए और बी वाले पॉइंट फोर्स लगा रहे होंगे ना वो अब अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा, समझने की कोशिश करो क्या करो। सी पॉइंट ओ से जब आप लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, अभी तक क्या सी से ओ में क्या हो रहा था, आपके चार्ज पार्टिकल को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन ओ से जब वो लेफ्ट आना स्टार्ट होता है ना तो ए और बी तो अपोजिट पुल करेंगे। अब क्या होगा, सपोर्ट नहीं मिल रहा, अब क्या हो रहा है, उस वैल्यू को उसका जो एनर्जी है या फिर उसका वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और आगे बढ़ेगा अगेन वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और आगे बढ़ेगा और वेलोसिटी डिक्रीज होगा। एक पॉइंट डी, लेट्स से डी बोल दे रहे, उस पॉइंट पे जैसे ये पहुंचता है, बच्चों उसमें वैल्यू डाल दो ना, किसी ने और सॉल्यूशन भेजा उसमें वैल्यूज वगैरह पुट करके निकाल दो। पॉइंट डी पर विच इज एट डिस्टेंस एक्स, आने के बाद क्या होगा, पार्टिकल का सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, इट्स ओवर, सारा काइनेटिक एनर्जी गायब हो गया, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी सारा जैसे ही गायब हो जाएगा उस मोमेंट के लिए पार्टिकल विल स्टॉप, लेकिन फॉरएवर के लिए नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि डी पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी गायब हो गया, अग्रीड, लेकिन ए और बी तो अभी भी पुल कर रहे हैं उसको टुवर्ड्स राइट, तो वो फिर क्या होगा, राइट साइड में आना स्टार्ट, इट्स मोर लाइक ऑसिलेशन टाइप का हो जाएगा। विल इट बी एसएच, मे बी नॉट, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, मोस्टली नो, ठीक है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। हमें बस ये समझना है कि आप दो चीजें कर लो, या तो वैसे सोच लो कि पॉइंट सी पे जो टोटल एनर्जी है चार्ज पार्टिकल का और पॉइंट डी पर जो टोटल एनर्जी चार्ज पार्टिकल का वो सेम होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नली तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये चारों तीन पार्टिकल्स का जो सिस्टम है वो सिस्टम को स्टडी करें हम लोग। या फिर दूसरा मेथड आप ऐसे सोच सकते हो कि सी पे जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी था वो आपका, सी पे जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी था वो आपका पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इट इज लाइक सेइंग कि सी से डी आने में जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी है, दिस विल बिकम गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, मतलब जो आपका लॉस है काइनेटिक एनर्जी का सी से डी आने में वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, डजंट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, बट एनीवेज, सो लेट मी यूज द इनिशियल मेथड जो बहुत सिंपल होगा। तो ये के सी और डी, तो आप क्या लगाएंगे, पॉइंट
सी एंड डी पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सी पे क्या, एक्चुअली उन लोगों ने आंसर ही दे रखा 4 जूल दे रखा, तो वी विल जस्ट राइट 4, ठीक है। बाकी और भी पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर रहे तो वो तो रेस्ट रहेगा। अच्छा, सी पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है इनिशियली, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, दोनों चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, ए और सी का। ध्यान से सुनना, मैं किसका पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, मैं पोटेंशियल एनर्जी किसका लिख रहा हूं, चार्ज पार्टिकल सी का। सो ए और सी का पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे एंड बी और सी का पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। सो विल राइट के, ए का चार्ज इज क्यू, बी सी का चार्ज इज माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस। देखो ये बच्चों डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पे काफी सिंपल वाला दिया, 3-4 है तो ये डिस्टेंस 5 मीटर हो जाएगा ना, जानबूझ के शायद दिया उन लोगों ने आपका काम इजी बनाने के लिए। तो ये फर्स्ट का हो गया पोटेंशियल एनर्जी। फिर बी और सी का पोटेंशियल एनर्जी लिखो, अगेन सेम चीज है ना, मतलब सारी चीजें सेम ही है। अगेन ये डिस्टेंस भी आपका 5 यूनिट ही आएगा, ये डिस्टेंस भी आप लोगे तो ये 5 मीटर ही आएगा आपका स्टैंड में, 5 लिखोगे आप, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू डी पे जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डी पर क्या है, जीरो हो गया क्योंकि वहां पे एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो गया, राइट। अनंत ने और एक बच्चे ने और ने आंसर भेजा है, ठीक है, दैट्स गुड। सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं फाइनल हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। 6√2 meter, 6√2 आई गेस करेक्ट, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गया, पॉइंट डी पे आपका जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा क्योंकि हाइट तो 3 meter और बेस x है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 9, ऐसे लिख लो। तो कैटेगरी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखोगे आप के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय ये डिस्टेंस विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। सिमिलरली जो नीचे वाला जो चार्ज पार्ट यानी बी और डी पे आने के बाद जो चार्ज पार्टिकल बी और डी के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, जब चार्ज पार्टिकल डी पर आ जाएगा तो आप लिखोगे के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो देखो हमारे पास वैल्यू कितना बचेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये हो गया आपके पास माइनस 2 के क्यू स्क्वायर ओवर 5, ठीक है। राइट साइड में हमारे पास वैल्यू बच रहा है माइनस 2 के क्यू स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब इसमें वैल्यू स्पोर्ट करो, तो क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵, के का वैल्यू कितना होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, के का वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये आप रख दो, Q का वैल्यू आपके पास गिवन है 5 × 10⁻⁵, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ये कैलकुलेशन करके यहाँ से जो है X का आपका वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट 72, और मे बी यू कैन राइट इट एज 6√2 meter, ठीक है। बच्चों इसको नोट कर लो फास्ट है ना, किसी को कोई डाउट इसमें या फिर कुछ और लग रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ समझना था या फिर कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है तो लेट मी नो। और चैट पे रिप्लाई कर दो, कुछ बच्चों ने और सॉल्व किया है और डिफरेंट आंसर वगैरह अगर कुछ आ रहा है तो। हो गया बच्चों नोट कर लियो, आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया।